एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप लोग अच्छे ही होंगे। तो फ्रेंड, खाना वाना सब कुछ बनाकर मैं आ चुकी हूँ, और व्लॉग आज कुछ भी नहीं बनाया, कुछ भी बिल्कुल नहीं बनाया, ना ही रेसिपी वाले चैनल पर कुछ भी गया है आज। वहाँ भी मतलब रेसिपी आज गई है, डाली है, अपलोड की है, लेकिन जो है ना बनाया कुछ नहीं है। मतलब कल के लिए कोई रेसिपी नहीं है आप उस पर, क्योंकि मेरी थोड़ी सी तबीयत ख़राब है। थोड़ी सी नहीं, मेरे पैर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। मतलब पैर मेरा इतना दर्द कर रहा है, बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है। इस वाले पैर में मेरे बहुत परेशानी हो रखी है। एक मतलब पैर में एक ठीक में कुछ नहीं है प्रॉब्लम, एक में हो रही है प्रॉब्लम। तो मुझे चलने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, खड़ी नहीं हो पा रही मैं ज़्यादा देर तक, और बहुत ज़्यादा मतलब परेशानी हो रही है। ट्यूब वगैरह सब कुछ लगा लिया, मूव लगा लिया, ट्यूब लगा लिया, सब कुछ लगा लिया। अब थोड़ा सा मैं टैबलेट लूँगी आज, देखती हूँ, वरना मैं कल जाऊँगी डॉक्टर को दिखाने के लिए क्या परेशानी है क्या नहीं है, क्योंकि दिखाना ज़रूरी है। पैर की बात है, बहुत परेशानी हो रही है मेरे एक पैर में, और मैंने खाना भी आज बहुत मुश्किलों से बनाया है, बहुत परेशान होकर। तो बस थोड़ा सा मिष्टी बड़ी हो जाएगी ना, तो थोड़ी सी मुझे मदद मिल जाएगा। अभी छोटी है मिष्टी थोड़ी, तो इसलिए अकेले सब कुछ संभालना पड़ता है। और अभी के डैडी ये बाहर गए हुए हैं, अभी आए नहीं है। बच्चे दोनों पढ़ाई कर रहे हैं, क्योंकि इनके जो है 28 से एग्ज़ाम शुरू हैं। 29 से हैं, 29 से इनके टेस्ट होने वाले हैं, और जो है तो इसलिए पढ़ाई कर रहे हैं। और मैं अभी आई थी खाना वाना बनाकर, उसके बाद फ़ोन चेक किया और वीडियो आई हुई थी कई, एक तो सावित्री कुमारी के ऊपर वीडियो आई हुई थी। तो बहुत सारी यूट्यूबर हैं जो उनके ऊपर वीडियो बना रही हैं, और ना मुझे भी कुछ अजीब लग रहा है, मुझे भी लग रहा है कि कुछ तो है जो गलत हो रहा है। मैंने भी उनके ऊपर वीडियो बनाई थी जब उनकी शादी हुई थी, तब मैंने भी उनके मतलब ऊपर वीडियो बनाई थी, और बहुत सारे लोग ये चीज़ें कह रहे थे एज ज़्यादा है, एज ज़्यादा है। तो देखिए, एज से कुछ नहीं होता है, मैंने ये बात पहले भी कही थी। तो एज की तो कोई ही दिक्कत नहीं थी, लेकिन अब जो चीज़ें सामने आ रही है ना, उनसे थोड़ा सा ना मुझे भी अजीब लग रहा है कि हाँ ये अजीब हो रहा है। क्योंकि एक बात बताइए, ये एक लड़की की जब शादी होती है, उनके भाई ने इतने अच्छे से प्रोग्राम किया, सब कुछ किया, और ये लोग ना दो चार लोगों को लेकर बारात लेकर पहुँच गए। मतलब इनका कोई रिश्तेदार नहीं था, कोई नहीं था। उसके बाद चलिए ठीक है, वहाँ पर नहीं था कोई रिश्तेदार, वहाँ नहीं गया, दूर की वजह से कोई रिश्तेदार नहीं गया वहाँ, ठीक है। तो जब सावित्री यहाँ पर विदा होकर आई थी, तब भी यहाँ कोई रिश्तेदार नहीं था। तो इन लोगों ने किसी रिश्तेदार को अपने यहाँ भी नहीं बुलाया था। शादी जब हम करते हैं तो हमारे लड़की वालों के यहाँ भी रिश्तेदार आते हैं, लड़के वालों के यहाँ भी रिश्तेदार आते हैं। तो इनके यहाँ तो एक इंसान नहीं था, जहाँ तक कि जो बहन इनके साथ गई थी वही घर में गई, उसी ने आरती की, उन्हीं ने गृह प्रवेश किया, इनकी माँ ने भी गृह प्रवेश नहीं किया। मतलब मम्मी थी तो उन्हीं को करवाना चाहिए था ना, और वो थी भी नहीं उस टाइम पर, पता नहीं थी नहीं, इन्होंने वीडियो में नहीं लिया क्या, मुझे नहीं पता, तो उस टाइम नहीं थी। और फिर दूसरा तो ये चीज़ भी अजीब लगी, फिर 2-3 दिन तक उनकी वीडियो में मम्मी थी नहीं, फिर 2 दिन बाद मम्मी को इन्होंने वीडियो में लिया अपनी। तो तब उनकी साथ के अच्छी हैं, ये है वो है, तो ऐसा लगा जैसे पहली बार देखा। तो तब फिर पहले से कहाँ थी तुम्हारी सासू माँ, पहले से कहाँ आती, तब नहीं देखा था उन्होंने, ऐसे करके ठीक है। फिर उसके बाद में थोड़े दिन बाद ही ना अभी उनकी बहन सामने आई है, जिनका थोड़ा सा वो बीमार है, तो वो ठीक है। तो एक एक करके सदस्य सामने आ रहे हैं, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही हैं जो अजीब लग रही है देखने में। तो देखिए, सावित्री ने अपने मायके में बहुत सारी चीज़ों को जो है संभाला है। वो लड़की एक ऐसी जगह थी जहाँ पर कुछ भी नहीं था, उनके पास कुछ भी नहीं था। दोनों भाई बहनों ने बहुत मेहनत की, बहुत सारी मेहनत की, तब जाकर वो उन्होंने एक मुकाम हासिल किया, और आज कुछ हैं वो अपनी ज़िंदगी में। और अब तो उन्हें मतलब एक से बढ़ के एक लड़का मिल जाता, वो इतनी नामी कामी हैं, ठीक है। उसके बाद में जो है शादी हो गई, चलो ठीक है, कोई नहीं, उनका नसीब था, हमने कहा चलो जोड़ी थी, हो गई शादी, कोई नहीं, है ना। और उसके बाद में कि वो नॉनवेज नहीं खाते, नॉनवेज नहीं खाते, लेकिन वो तो ऐसे नॉनवेज खा रहे थे जैसे कि बहुत ज़्यादा शौकीन है नॉनवेज के, ठीक है। और उसके बाद के मकान भी अपना नहीं है, किराए का मकान है ना। और
बताओ फिर, मतलब ये भी चीज आ गई। तो तुम जब एक लड़की को शादी करके लेके आ रहे हो तो पहले रहने का इंतजाम करो ना अच्छे से, मतलब उसके आते ही मकान खाली करो। पहले तो तुम्हें घर मकान लेकर या फिर कोई ऐसी पक्की जगह पर तुम्हें किराए का मकान जहां पर तुम अच्छे से थोड़े दिन, 1 साल तो कम से कम रहते ही रहते, मतलब उसके आते ही मकान भी खाली, और जो है मकान खाली करो, मकान फिर इनको मकान लेने की हो गई। तो अब ये मकान ले रहे हैं, मतलब बेचारी ने वहाँ भी सब कुछ मायके में अपने संभाला, अब वो यहाँ पर सुकून से रहती, थोड़ा सा तुम उसे रखते सुकून, तो वो यहाँ पर भी उसके कंधों पे जिम्मेदारियाँ सारी आ गई। तो बस यही चीज़ें हैं, तो अजीब तो मुझे भी लग रहा है, और मैं तो कह रही हूँ भगवान जी हम लोग सब गलत हो और ऐसा कुछ भी ना हो, वो जो चीज़ें हम सोच रहे हैं वो कुछ भी ना हो, और उनकी ज़िंदगी में सब कुछ ठीक ठाक रहे, उनकी शादीशुदा ज़िंदगी सब सब कुछ ठीक रहे, तो ऐसा कुछ भी ना हो। लेकिन देखने में अजीब लग रहा है, मुझे भी लग रहा है बहुत, मतलब एक नई, जो नई बहू के साथ जिस तरीके का व्यवहार किया जाता है, बहुत सारी चीज़ें पता है, जब नई नई बहू आती है ना तो हम अपनी इज्जत के लिए ना उसके साथ बहुत सारे अच्छा अच्छा करने की कोशिश करते कि भाई अभी नई नई आई है ये, इसके साथ हमें अच्छा अच्छा ही करना है ताकि इसको कोई परेशानी ना हो, ताकि इसे अपने मायके की याद ना आए, मायके का वो ना हो, लेकिन वो तो सारी जिम्मेदारियां बस उन्हीं के सर पर है। तो अजीब तो लग रहा है, मुझे भी अजीब लग रहा है। तो चलिए कोई नहीं, देखते हैं आगे क्या होता है। तो बस बैठी हुई थी मैं, चलो देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। वीडियो तो मैं सावित्री की रोज देखती हूँ, रोज उनकी एक भी वीडियो मैं मिस नहीं करती, मैं रोज वीडियो देखती हूँ उनकी। तो देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है, लेकिन हाँ ये है कुछ गलत उनके साथ होगा नहीं, उनके साथ बहुत सारी यूट्यूबर हैं, बहुत सारी उनकी बहनें हैं जो उनके साथ हैं, इसलिए उनके साथ कुछ भी गलत नहीं होगा। और हाँ बहुत सारी यूट्यूबर हैं जो उनके लिए वीडियो बना रही हैं। तो बस ठीक है फ्रेंड, वीडियो का मैं यहीं पर एंड करती हूँ, और जो है ना आपसे मिलती हूँ एक और नए व्लॉग में, अगर पैर थोड़ा सा ठीक हो गया तो फिर लेकर आऊँगी अच्छी अच्छी ब्लॉग। और देखती हूँ कल डॉक्टर के जाऊँगी, डॉक्टर क्या कहता है क्या नहीं हेल्प, कहता, मैंने क्ले बनाई। और देखती हूँ किस चीज़ से बनाई है, क्ले बनाई है इसने, पता नहीं किस चीज़ से बनाई है, किस चीज़ से बनाई है, रेजर रेजर से, बताओ रेजर खराब करके क्ले बनाई है पागल लड़की ने। और क्ले तो तेरी इतनी सारी रखी थी, कहाँ गई वो, क्या पता क्या, तुम सारी चीजें बिगाड़ देते हो, बताओ। मेरे को नहीं पता, तो चलिए मैंने फ्रेंड, मैं बहुत यहीं पर सारी करती बनाई हूँ इस है। वीडियो का एंड, और आपसे मिलती हूँ एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, मिष्टी बाय करो।